नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माय पैशन का हिंदी वर्सन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं बहुत एक अच्छा पौधा जिसका नाम है गोटूकोला या ब्राह्मी भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है हाइड्रोकोटाइल वुल्गारिस, जिसका हम वाटर पेनीवर्ट या फिर मार्स पेनीवर्ट कहते हैं। ये फूलदानी में या आपके भैंस में बहुत खूबसूरत दिखेंगे, आपके कोई भी गुलदस्ते में सजा सकते हैं और इसको ग्रो कर सकते हैं। हाइड्रोकोटाइल वुल्गारिस ये बहुत एक अच्छा पौधा है जो आप ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं और इसके पत्ते के भी आपको बहुत सारे रसायन होते हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छे फायदेमंद साबित होते हैं। ये ब्राह्मी साग के हिसाब से भी खाए जाते हैं। ब्राह्मी साग दो तीन तरह के वैरायटी आते हैं, इसमें से सबसे उम्दा क्वालिटी के होते हैं। आजकल इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट्स में भी ग्रो कर सकते हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, 50-60 रुपये में आपको हैंगिंग बास्केट मिल जाएंगे। एक बार आप खरीद के ले आएँ तो आप आसानी से इसको आप सैकड़ों पौधे इसमें से बना सकते हैं। या फिर चाहते हैं कोई भी आपके पास कोई भी भैंस है, कोई भी आपके पास पात्र है, तो उसमें आप इस तरह के जो पौधे हैं मार्स से या कहीं से पानी कहीं से आप दो चार कलेक्ट करके ले आइए, दोस्तों के यार दोस्तों के घर से ले आइए, आप रिश्तेदार के घर से ले आइए। और इसको आप चाहते हैं तो पत्थर में छोटे छोटे टुकड़े पत्थर में आप कोई भी पात्र में इसको रख के इसको ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह से इसको पत्थर में छोटे छोटे टुकड़े पत्थर में इसको डाल दीजिए। उसके बाद उसमें क्या करना है, आपको दबाने के बाद पानी दे देना है इसमें, और पानी देने से बाद आपको सेमी शेड एरिया में रहना है जहाँ पर धूप आए, इनडायरेक्ट सनलाइट आए। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, इनडोर ये ग्रो नहीं करेंगे। आप इसको आउटडोर या सेमी शेड में ग्रो कर सकते हैं, या चाहते हैं तो मिट्टी में आप ग्रो सकते हैं, कीचड़ भी ला सकते हैं कोई भी कहीं से, या फिर मिट्टी ला सकते हैं और मिट्टी के ला के उसमें कुछ कंपोस्ट डाल के इस तरह के छोटे छोटे टुकड़े करके आप इसको ग्रो कर दीजिए। बहुत आसानी से ये ग्रो कर जाते हैं। ये गोटूकोला या फिर ब्राह्मी कहते हैं इसको, हाइड्रोकोटाइल वुल्गारिस, बहुत अच्छा पौधा है जो आप ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप इसको चटनी भी बना के इसके खा सकते हैं, या फिर इसका कोई भी उपादाय बना के आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इससे आपका हेल्थ में काफ़ी बेनिफिट मिलता है। ये विटामिन सी का सोर्स है, विटामिन ए का सोर्स है, विटामिन बी का सोर्स है, बहुत सारे विटामिन इसमें पाए जाते हैं और इंटेलिजेंस के लिए भी ये काफ़ी अच्छा मनाया गया है एज ए ब्राह्मी साग जो आपकी इंटेलिजेंस बढ़ाती है। और ये इंटेलिजेंस दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। ये आज तो मैं ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से ग्रो करके दिखाता हूँ। इस तरह का अगर आपके पास कोई भी पात्र है तो इसमें इस तरह से रख के इसकी जो टहनियाँ हैं इसको रखने के बाद इसमें पानी डाल दें आप, और पानी ध्यान रख के हर हफ्ते एक बार करके पानी आप चेंज करते रहें। और ये आप सेमी शेड में रखें जहाँ पर धूप इनडायरेक्ट धूप आती रहे, तो इसमें ये ग्रो होते रहेंगे और सैकड़ों पौधे इसमें से आप तैयार कर सकते हैं। ये क्रीपर है तो इसमें से क्या होता है जो बहुत बहुत सारे टहनियाँ निकलती रहती है, उसमें नीचे से रूट निकलते रहते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चाहते हैं तो इस तरह का आप हैंगिंग बास्केट में ग्रो कीजिए, बहुत अच्छा रहता है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है, डॉलर की जैसे साइन होता है। लोग आजकल मनी प्लांट के हिसाब से भी ये ग्रो करने लगे हैं, तो मनी प्लांट के हिसाब से भी लोग जो हम लोग यूज़ करते हैं ये भी आजकल मनी प्लांट के हिसाब से बहुत पॉपुलर है। प्रतिमा नर्सरी सौखर बाजार कोलकाता में ले सकते हैं, 40-50-60 रुपये में मिल जाएंगे आपको इस तरह के पौधे। और एक बार पौधे लेने के बाद दूसरी बार खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मैं दिखाऊंगा इसको, आप अगर इस तरह से आप ग्रो करना चाहते हैं इसमें फर्टिलाइजर देने के लिए भी आप कैसे करेंगे, आप इस तरह का अगर पौधे में पानी में या फिर सॉइल में ग्रो करते हैं तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट के हिसाब से बहुत खूबसूरत रहता है। तो मैं आपको फर्टिलाइजर दिखाता हूँ, एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 ले लीजिए, उसका आपको लेना है। एक पिंच, एक चुटकी भर आपको लेना है, 100 ml पानी में एक चुटकी भर आप ये एनपीके जो है ये फर्टिलाइजर आप डाल लीजिए, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से घोल लीजिए पानी में। घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा 2-4 चम्मच के परिमाण का अनुमान का जो है उस परिमाण में आप एक एक जो गमले हैं या फिर आपका भैंस है कोई भी गुलदस्ता है उसमें आप डाल कर रख दीजिए, और करीब जब जब पानी चेंज करें तब थोड़ा सा आप इसमें 1-2 चम्मच करके इसमें एक एक में डाल दीजिए, तो ये काफ़ी रहेगा। तो इस तरह से आप ये जो है वाटर पेनीवर्ट या मार्स पेनीवर्ट या हाइड्रोकोटाइल वुल्गारिस इस तरह के पौधे जो हैं जो आसानी से ग्रो कर सकते हैं आप घर में ला के। और ये इसमें आपके लोग कहते हैं कि इससे आपको धन धान्य की भी काफ़ी वृद्धि होती है आपके घर में, तो ये भी फायदा है आपको। तीनों तरह के फायदा होते हैं आपको, ऑर्नामेंटल फायदा है, हर्बल मेडिसिन का फायदा है, और आपके जो घर में खुशहाली और धन धान्य की फायदा है। तो ये इस तरह के आपके पौधे लाइए, तो उम्मीद है वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, चाहते हैं तो शेयर करना तो शेयर करें। गार्डनिंग में पैशन हिंदी भाषा नए तो जरूर से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।